हेलो हेलो हेलो। चलिए तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि जब भी कोई दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होगा तो वो हमेशा स्केलर ही होगा। इसीलिए इस डॉट प्रोडक्ट का नाम है, दूसरा जो नाम रखा गया है वो स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट आता है जब स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है, जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है दो वेक्टर का, तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, स्केलर में आता है। इसीलिए इसको दूसरे नाम, मतलब इसका जो दूसरा नाम है वो है स्केलर प्रोडक्ट, और अगर ऐसे बोलते हैं तो डॉट प्रोडक्ट। ठीक ठीक है, अब समझिए, ये जो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है ये क्या है, एक मेथड है। वे है कि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका रिजल्टेंट हमेशा स्केलर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट को लिख लेते हैं। अब ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ये बहुत ही ज्यादा यूजेबल है फिजिक्स में। ठीक है, अगर आपको स्केलर प्रोडक्ट नहीं आता है तो बहुत जगह आप धोखा खा जाएंगे, आप मार खा जाएंगे। मतलब क्या कि बहुत ऐसा सवाल होगा जो आपसे नहीं बनेगा, खासकर मतलब जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में स्केलर या डॉट प्रोडक्ट पूछा ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। चलिए लिखते हैं इसके बारे में, क्या लिखेंगे, इट इज वी टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर देन देयर रिजल्टेंट विल बी इन स्केलर। क्या होगा, ये जो वे है ये तरीका है दो वेक्टर को मल्टीप्लीकेशन करने का, जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अगर हम इनको दूसरी भाषा में लिखें, मान लेते हैं लेट ए बी ए वेक्टर एंड एनोदर वेक्टर Another vector R B, एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर क्या है, B है, then then dot product of vector A and बी आर ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू, ये डॉट है, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। समझिए, ये है एंगल थीटा, ये क्या है, एंगल थीटा, और ये है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर, और दोनों जो है दोनों वेक्टर के कहाँ से एंगल लिया गया, दोनों वेक्टर के टेल से एंगल लिया गया, दोनों के टेल के बीच जो एंगल बन रहा है कितना है, थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब ये मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट वेक्टर में आते हैं, जैसे एक्स का यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, के कैप। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ केस ले लें, केस वन अगर हम ये बोल रहे हैं इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, ए डॉट बी का वैल्यू, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ वी, और ये हो गया कॉस 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी, और ये कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो कितना हो जाएगा, ए ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब ये हुआ कि जब भी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच एंगल 0 डिग्री रहेगा, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल को 90 डिग्री लेते हैं। अब ये चेक करेंगे कि जब एंगल 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या कॉन्स्टेंट रहेगा या 0 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ तक सबसे पहले आप लिख लीजिए पॉज करके, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिए होंगे, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये कंडीशन वन था। अब दूसरा कंडीशन, कंडीशन वन में हम लोग ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री लिए हैं। अब कंडीशन नंबर टू, केस टू, केस टू, केस टू में ले लेते हैं, इफ थीटा मींस एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 90 डिग्री, देन ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस 90। अब देखिए तो क्या हो गया, ए डॉट बी इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 90 का वैल्यू 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू 0। मीन्स कि जब भी ए और बी के बीच का, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहें तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, देख लीजिए, 0। मतलब जब भी कोई दो वेक्टर 90 डिग्री के एंगल में रहेगा और हम लोग चाहें कि उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो वैल्यू हमेशा 0 आएगा 90 डिग्री पर अगर रहा तो। और लास्ट कंडीशन ले लेते हैं कि जब जब एंगल कितना हो जाए, इफ ये केस नंबर 3 है और ये लास्ट केस है, केस नंबर कितना है, 3, इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, जब थीटा 180 हो जाए तब क्या होगा, ए डॉट बी इजकल टू कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस 180 डिग्री। क्या हो गया, ए डॉट बी इजकल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। तो कितना हो गया, सबसे कम वैल्यू होगा जब 180 डिग्री पर रहेगा, अब उसका डॉट वेल प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव में आएगा, समझ गए। मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, अब उसका और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, अब उसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो रिजल्टेंट देखिए माइनस में आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट इंटू माइनस, माइनस चिन्ह लगा रहेगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। चलिए अब इनके कुछ सवाल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर को समझते हैं। देखिए ये है एक्स, ये है वाई, ये एक्स और ये क्या है जेड, और ये है ओरिजिन। एक्स के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, वाई के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, जेड के लिए यूनिट वेक्टर होता है वो होता है के कैप। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, यहाँ जो है एक्स आई और जे के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, जे और के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, आई और के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, यहाँ सबके बीच 90 डिग्री एंगल है।
अब समझिए होगा क्या। आई डॉट आई बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? आई डॉट आई जीरो क्यों होगा? जीरो जीरो इसलिए होगा क्योंकि ये देखिए, क्योंकि एंगल कितना है, एंगल 90 डिग्री है, इसीलिए आई डॉट आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगला, ओ आई डॉट जे जीरो होगा ना, क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो जीरो हो जाएगा। अगर हम आई को के से मल्टीप्लाई करें तो इसके बीच भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। आई डॉट के भी कितना हो जाएगा, जीरो। और जे को के से मल्टीप्लाई करें, जे और के बीच भी एंगल कितना है, 90 डिग्री ही है, तो जे डॉट के इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब समझिए, ये तो ठीक ही था। अब अगला, इसको तो याद रखना है कि जब भी कोई दो अपोजिट यूनिट वेक्टर के साथ हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका मान कितना आएगा, जीरो। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री पर होना चाहिए दोनों तब। ठीक है, और एक कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं। एक कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, अगला मान लीजिए कि अपने पास आ गया आई क्रॉस जे, क्रॉस नहीं, अभी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पड़े, आई डॉट आई कितना हो जाएगा, वन। क्यों वन होगा, डॉट के बारे में बताए थे, जब एंगल देखिए आई और आई के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो जब एंगल 0 डिग्री होता है केस नंबर वन में, तो कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है दोनों का मैग्नीट्यूड, और इसका भी मैग्नीट्यूड वन है, इसका भी वन, वन गुना वन वन हो जाएगा। जे डॉट जे बराबर कितना हो जाएगा, वन। के डॉट के बराबर कितना हो जाएगा, वन। ये आपको याद रखना है, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे वो इससे रिलेटेड सवाल पे शुरू करेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पे शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।